हे माय यूट्यूब फैमिली गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ढेर सारा खुश होंगे। और वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने मेरे को बोला था कि वीडियो में मैं उनका नाम लूँ, तो उनका नाम है कोमल झा। थैंक यू सो मच यार, आप मेरे को इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करती हैं। आपके हर वीडियो के नीचे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ के मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में आप मेरे साथ हैं, और बहुत खुशी होती है कि मेरी फैमिली के साथ साथ और भी ऐसे लोग हैं जो मुझे इतना सारा प्यार कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैंने ना अभी बालों को बहुत थोड़ा सा स्ट्रेट करा हुआ है। पता है, लाइफ में मैंने कभी भी बालों को स्ट्रेट नहीं किया है। फर्स्ट टाइम मैंने बालों में हल्का सा स्ट्रेटनर लगाया है। कितने ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे हैं ना बाल स्ट्रेट होने के बाद। मतलब मेरे को नहीं पता था कि ना स्ट्रेट होने के बाद इतने ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं बाल, देखिए। और बहुत थोड़ा सा, बस मैंने 2 मिनट किया है, हाईली मतलब 2 मिनट भी नहीं किया होगा। आज ना मैंने हेयर वॉश करा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से और ड्राई ड्राई से हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि ना स्ट्रेटनर रखा था मीनाक्षी का यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा करके देखती हूँ। तो देखिए कितने सही लग रहे हैं ना गाइस। ये क्या हुआ है, ये देखिए, अनार का जूस निकाल रही थी, बड़ा वाला जार मेरे को मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं मम्मी ने कहाँ रख दिया है। और मैं सोच रही थी कि इसमें ये चीज़ हो सकती है, कभी कभी क्या होता है ना कि इसका ढक्कन कितना भी टाइट करके लगा लो लेकिन हट ही जाता है, तो ये हटी। एक बार और मेरे से ऐसे हो गया था, और देखिए पूरी किचन में। ये देखिए यहाँ तक सारे छींटे आए हैं इसके, मतलब पूरी किचन में इसके छींटे छींटे हो गए हैं। और इस वाली वॉल का मैंने क्लीन भी कर दिया जल्दी से, कहीं निशान ना पड़ जाए इसलिए। और ये देखिए पूरे फेस पे, पूरे कपड़ों पे, पूरे हाथों पे एकदम से निकल के आ गया सारा जूस। और ये ढक्कन हट गया यार, मतलब बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे को पूरा क्लीन करना पड़ेगा, फैल गया वो अलग से, अब क्लीन कर लेती हूँ पहले। और ये देखिए गाइस, हम तो किचन साफ करने में लगे हुए हैं। थोड़ा इस साइड का हो गया है, इस साइड का रह गया है, और ये दोनों आराम से ही खड़े हुए हैं जब से। क्या चाहिए? तो अभी मैं पूरी किचन क्लीन करूँगी यार, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया आज मेरे लिए। और देखिए मैंने ना सुबह बालों को हल्का सा स्ट्रेट करा हुआ था, तब बाल कितने अच्छे लग रहे थे, और अभी शाम के टाइम में आके ना बाल वैसे ही हो गए हैं जैसे मेरे बाल नेचुरली हैं। और सच्ची में यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। तो मम्मी ना अभी आई हुई थी, मम्मी गई थी मीनाक्षी की मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको देखने पापा में गए हुए थे। तो वही सारी बातें मम्मी को मैं बता रही थी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। सच्ची है मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि ना बहुत सारा काम बढ़ गया था। और अभी सब लोग खाना खा रहे हैं, मम्मी बना रही हैं गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी, आप लोग भी आ जाइए खाने। और ये देखो मम्मी यहाँ पे खाना बना रही हैं, सब लोग खा रहे हैं गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी। वाह, मम्मी बनाएंगी अपनी ही रोटी अपने लिए और पापा के लिए। और देखो मैंने पूरी किचन साफ कर दी है, लेकिन मम्मी इधर देखो यहाँ पे थोड़ा सा है। ये वो ही है क्या मम्मी? कि कुछ और है? ये तो पानी कैसा है गाइस? अभी
8 बज गए हैं, सब लोगों ने खाना वाना खा लिया है, सब लोग बस सब लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। मम्मी बेचारी सिकाई कर रही है, दिखाती हूँ आपको, मम्मी का गला सही नहीं हो रहा है, भाई अपना स्किन केयर करना है। मम्मी कह रही है क्यों दिखा रही हो, हमें मम्मी का बीमार है। वही सामने देख, एक लंबी लाइन लगी होगी सामान की, उसमें ही है। आज मैंने ड्रेसिंग टेबल ना सेट कर दिया है, तो भाई को कुछ सामान उसमें से मिल नहीं रहा। मिल गया मम्मी ड्रॉअर में देख रहा है क्या? और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के हो रहे हैं 10:30। अभी मैं उठी नहीं हूँ, मतलब जाग तो मैं गई थी 6:30 बजे, फिर उसके बाद उस रूम में हम लोग सो रहे थे, फिर मैं उस रूम में आके लेट गई, फिर मैं उठी 8 बजे, वो मैंने दूध वूध करके दिया, फिर मैंने दूध पिया। और अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक थी, मतलब कोई ज़्यादा मेरे को परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन आज रात से पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, नीचे की साइड बाहर, मतलब हो रहा है, बंद हो जाता है फिर होने लगता है, बंद हो जाता है फिर होने लगता है। तो मम्मी बोल रही है कि डॉक्टर को दिखाओ, वॉशरूम में मुझे बार बार जाना पड़ रहा है, लिप्स मेरे बहुत ड्राई हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और सांस सी भी नहीं आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत देर और देख लेते हैं, नहीं तो फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा। पता है क्या हो जाता है, 2 दिन ठीक रहती हूँ, फिर 2 दिन बाद फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं जाऊँगी थोड़ी बहुत देर में, सोच रही हूँ कि अगर ऐसे ही ठीक हो जाता है, पहले नहा लेती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, फिर शायद थोड़ा ठीक लगे। और एक चीज़ मेरे साथ आज बहुत अजीब सी हुई थी, जो मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन देती है। तो मेरे को ना ऐसा लग रहा था रात को कि मुझे बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रही है, बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था यार, बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा बुरा मेरे को तभी लगता है जब मुझे ये चीज़ लग रही होती है कि बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। और बाकी मैं कल बहुत देर तक बेबी ने मूवमेंट नहीं किया, मेरा पूरा ध्यान ऐसे ही पेट पे लगा हुआ था कि ना कब बेबी थोड़ा सा मूव करे, लगता है वो थोड़ा सा कर दे। डॉक्टर भी बोलते हैं कि इस टाइम पे आके ना बेबी की मूवमेंट का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। फिर मैं सुबह उठी, मैंने चाय वाय पी, बिस्किट खाया, फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ मूवमेंट कर रहा है, तो फिर मुझे थोड़ा ठीक लगा, नहीं तो फिर मैं सुबह ही जाती। तो ठीक है गाइस, अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, और ये वाला वीडियो भी मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। कितनी सारी प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ रही है, और पता है अब 8 मंथ भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 9 मंथ स्टार्ट होने वाला है। मम्मी बोल रही थी कि अब थोड़ा बहुत दर्द ना ऐसे होता ही रहेगा, दर्द का मेरे को इतना नहीं लगता सच्ची बताऊँ तो, बस मुझे ये लगता है कि ना बस मेरी प्रीमैच्योर डिलीवरी ना हो, बस मेरे को ये टेंशन रहती है। तो ठीक है गाइस, बाय।